नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यस बैंक को लेकर के एक बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज आ रही है दोस्तों, और आज आप देख रहे होंगे लगातार दो तीन दिनों से जबरदस्त गिरावट है बैंकों में, और इवन बैंकों में नहीं, अभी लगभग मैं 11 बजे के आसपास ये वीडियो बना रहा हूँ, मार्केट में जबरदस्त पैनिक है। और मैं दोस्तों पहले बता दूं, ये पैनिक जारी रहेगा कम से कम आने वाले हफ्ते भर, जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है दोस्तों। कैश में रहिए, अगर किसी शेयर में प्रॉफिट में है, मिड कैप खास करके स्मॉल कैप में, और आपका हॉरिजॉन लंबा नहीं है, प्लीज प्रॉफिट बुक कर लें। ये यस बैंक से अदर बैंकों अदर शेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि मार्केट में आने वाले हफ्ते भर में बहुत गजब की प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जो मैं हमेशा कहता हूँ 2 से 3 साल, तो घबराने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप कोई पोजिशनल ट्रेडर थे महीने 2 महीने में, तो प्लीज अपने सारे ट्रेड्स क्लोज कीजिए, और अपनी जितनी भी आपकी इसमें प्रॉफिट हो कम से कम उसका 70-80% निकाल लें दोस्तों, क्योंकि बहुत सीवियर पेन देखने मिल रहा है। फिर चाहे वो कोई भी कंपनी हो दोस्तों, अभी जो मार्केट प्रॉफिट बुकिंग आई है वो बहुत सीवियर आने वाली है। इसीलिए मैं ये 11 बजे ये वीडियो इसलिए भी बना रहा था कि मैं बता पाऊं कि भैया प्रॉफिट बुकिंग है, चुपचाप कर लो, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आने वाला समय बहुत जबरदस्त डेंजर हो सकता है पूरे पूरे मिड कैप और स्मॉल कैप रीजन के लिए। लार्ज कैप में अभी उतनी पैनिक नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वहां भी आपको पैनिक देखने देर सवेर जरूर मिलेगा, लेकिन लार्ज कैप में उतनी गिरावट नहीं होगी दोस्तों जितनी मिड कैप स्मॉल कैप में दिख रही है, और ये गिरावट और भी भयंकर होगी दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। और अब मैं चलता हूँ आपको यस बैंक के शेयर की तरफ ले चलता हूँ, और आप देखेंगे कि जब मैं वीडियो बनाऊँ लगभग 1.5% गिरा हुआ है दोस्तों, 12 रुपए का एक बहुत जबरदस्त सपोर्ट जोन है दोस्तों, और मुझे लग रहा है ये आज टूट जाएगा दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये ठीक नहीं है दोस्तों। ये जिस तरह गिरावट जारी है, मार्केट में पैनिक छाया हुआ है, ये बहुत डेंजरस दिखा रहा है दोस्तों। और यस बैंक में आप देखिए पिछले 1 साल में 21% से भी ज्यादा का डाउनसाइड है, 5 साल में दोस्तों लगभग 100% की गिरावट है ना। और मैं दोस्तों इसीलिए आपको एक चीज समझा रहा हूँ कि जो यस बैंक है ना, कोई भी मार्केट की न्यूज के साथ नहीं जाए, आज भी इतनी गिरावट होगी दोस्तों, मैं आज भी कहता हूँ फॉर लॉन्ग टर्म, यानी लॉन्ग टर्म किसको बोलते हैं, मैं आपको एक चीज समझा दूं, कम से कम खासकर यस बैंक के लिए मिनिममली 3 से 5 साल मिनिमम दोस्तों, मतलब मिनिमम भी ये यस बैंक के लिए 3 से 5 साल ना एक पोजिशनल ट्रेडिंग है, मैं इतनी तक की बात कह रहा हूँ दोस्तों। ये जो राणा कपूर था ना, इस आदमी ने इतनी गंध मचाई है और इतना शेयर होल्डर्स को बर्बाद किया है कि उसके पाप को धोने में अभी वाकई समय लगेगा दोस्तों। एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए और अपने दिमाग में कृपया करके बैठा ले दोस्तों, कि अगर किसी को भी अगर 35 रुपए का टारगेट देखना है, तो कम से कम उसे 1 से 1.5 साल अभी इंतजार करना ही पड़ेगा। और यस बैंक में ये पैनिक सिर्फ अभी इसी की पैनिक नहीं है दोस्तों, ये मार्केट की पैनिक के कारण यस बैंक हो रहा है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ न्यूज अकाउंट, जिसको मैंने ये आज सुबह ये वीडियो बनाया जल्दी दोस्तों। ये न्यूज है ना, ये है दैट यस बैंक प्लान्स टू सेट अप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इनवाइट यूआई फॉर पार्टनरशिप। दोस्तों ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अगर ये बनाने में कामयाब होती है दोस्तों सक्सेसफुली, आप देखिएगा जो इनका एनपीए जो रिकवरी है वो बैड बैंक जो सरकार बना रही है प्लस एनसीएलटी का जो प्रपोजल है उनसे कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से बना पाएगी दोस्तों। इसीलिए यस बैंक का एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाना अपने आप में एक बहुत ही गुड न्यूज है दोस्तों। और मैं एक चीज पहले बता दूं, ये गुड न्यूज कोई भी पोटेंशियल ट्रेडर्स के लिए नहीं है दोस्तों, जो 3 से 5 साल इंतजार कर रहे हैं ना, ये उनके लिए गुड न्यूज है दोस्तों, ठीक है। और ये आज भी स्टोरीज के बावजूद मुझे 3 से 5 साल ही पसंद है ये शेयर दोस्तों, इसीलिए गिरावट में थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कीजिए दोस्तों, ठीक है। अब नीचे थोड़ा इसमें चलते हैं, तो आप देखिए इसमें लिखा है दैट अर्नेस्ट एंड यंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रोसेस एडवाइजर टू द बैंक फॉर द प्रोजेक्ट। द अर्नेस्ट एंड यंग जो है वो इस प्रोसेस की देखभाली करेंगे और एडवाइजर के रूप में रहेंगे। और आगे श्योर है दोस्तों दैट यस बैंक प्लान्स टू सेट अप इट्स ओन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड हैज इनवाइटेड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम पोटेंशियल इन्वेस्टर टू सेट अप द न्यू कंपनी। अर्नेस्ट एंड यंग, मैं बात पहले ही पढ़ चुका हूं दोस्तों, इन अ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया है, द बैंक सेड इट इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम इन्वेस्टर्स विद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कैपेबिलिटी एंड पोजेसिंग सब्सटेंशियल एक्सपीरियंस इन द डिस्ट्रेस्ड एसेट स्पेस, ठीक है दोस्तों। ऐसे लोग जिनकी एसेट रिकंस्ट्रक्शन में जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है वो बहुत जबरदस्त स्ट्रांग हो, और डिस्ट्रेस एसेट स्पेस मतलब जो बैड लोन हो गया एनपीए को संभालने में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो। नाउ द
प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर विल बी द लीड पार्टनर स्पॉन्सर फॉर द एआरआरसी द बैंक सेड। यानी सिर्फ इतना ही दोस्तों, जो भी इसका जो मेन वो होगा ना इन्वेस्टर, मतलब जो इसमें पार्टनरशिप करेगा वो इसका मेन इन्वेस्टर होगा और लीड स्पॉन्सरशिप होगा एआरसी में। अब दोस्तों ये देखना होगा कि इतना कौन ऐसा है इतने डिस्ट्रेस बैंक यस बैंक जैसे कंपनी में अपने इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करना चाहता है, ये देखना होगा और कौन आता है, ये चीजें आगे चलेंगी। लेकिन दोस्तों देखिए ये एक चीज तो पॉजिटिव है कि यस बैंक ये अपनी खुद की एसेट रिकवरी कंपनी बनाने की सोच रहा है। नाउ इन द पास्ट टू यस बैंक हैज इंडिकेटेड दैट इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द न्यूली प्रपोज नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NACL और द बैड बैंक एज इट बिलीव द बैंक विल एबल टू रिकवर मोर देन दिस रूट। दोस्तों देखिए ये भी मैंने यही कहा था और मैं आपके साथ साथ ही पढ़ रहा हूँ आज अभी ये जो न्यूज आई है, इसीलिए मुझे ये लाइन नहीं पता थी और मैंने पहले कहा दोस्तों कि यस बैंक अगर खुद की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाएगी उससे ज्यादा अच्छे तरीके से एनपीए कवर करेगी, ना कि इससे दोस्तों। नाउ इन इट्स एडवर्टीजमेंट यस बैंक सेड द प्रोस्पेक्टिव पार्टनर मस्ट सेटिस्फाई द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दिस इंक्लूड्स द मिनिमम एसेट अंडर मैनेजमेंट और फंड डिप्लॉयड ऑफ $5 billion ग्लोबली इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर। यानी इनका मानना है एडवर्टीजमेंट ये कहा है कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि कम से कम $5 billion के पास एसेट अंडर मैनेजमेंट होना चाहिए ग्लोबली। मतलब ये एक बहुत बड़ी कंपनी ढूंढ रहे हैं दोस्तों, ये सब इंडिकेशन इनसे आ रही है। तो दोस्तों देखिए ये बात भी सही है कि यस बैंक के पास जिस प्रकार के ऐसे एनपी है ना, तो इसके लिए जो एक्सपर्ट चाहिए, जो ह्यूज अमाउंट चाहिए वो बहुत बड़ा है दोस्तों, इसीलिए इन्होंने बहुत ट्रांसपेरेंसी से ये एडवर्टीजमेंट दिया है दोस्तों। नाउ दिस अपार्ट द इन्वेस्टर शुड हैव डेमोंस्ट्रेटेड एबिलिटी टू कमिट फंड फॉर डिप्लॉयमेंट इन द इंडियन एसेट ऑफ अप्रोक्सिमेटली 0.5 billion बैंक सेड। इनका कहना यह है कि इन्वेस्टर जो है अपनी एबिलिटी मतलब शुड हैव डेमोंस्ट्रेटेड एबिलिटी टू कमिट फंड फॉर डिप्लॉयमेंट इन इंडियन एसेट, मतलब भारत के मार्केट में भी कम से कम $0.5 billion की कमिट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। ऑल्सो द पोटेंशियल पार्टनर शुड हैव डेमोंस्ट्रेटेड ग्लोबल एक्सपीरियंस इन डीलिंग डिस्ट्रेस एसेट्स विद। यानी ऑन एन एवरेज में बताऊं इनका ये कहना है एसेट अंडर मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, डिस्ट्रेस स्पेस में अच्छा काम करना चाहिए, प्लस इंडिया में भी एसेट इन्हें को इन्वेस्ट करना चाहिए। नाउ ऑल्सो द प्रोस्पोज इन्वेस्टर शुड बी मीट द फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द बैंक सेड। मतलब आरबीआई के क्राइटेरिया फिट एंड प्रॉपर, उसमें भी ये पूरी तरह खरा उतरना चाहिए। The bank have given time till 31st October 2021 for interested parties to submit EOIs. Early this year, Yes Bank top official had indicated that a clutch of foreign investors have shown interest to participate in the ARC business. ठीक है दोस्तों, a senior analyst said the idea behind floating an ARC could be to clean up the pile of bad asset on Yes Bank's book. ठीक है, senior analyst का कहना है bank से कि इसके पीछे जो idea ना ARC का ये है कि जो एक बहुत ही पुराने पाप जिसे मैं कहता हूँ, यानी जो पाइल ऑफ बैड एसेट है उनकी बुक से हटाने का। नाउ दे डू हैव अ लॉट ऑफ बैड एसेट इन द बुक, द आइडिया कुड बी टू क्लीन अप द बुक, सच एन इंस्टीट्यूशन कुड आल्सो हैव द ब्लेसिंग ऑफ एसबीआई एंड अदर प्रमोटर। दोस्तों इसमें यस बैंक की अच्छी बात यह है कि जो भी इसमें इन्वेस्ट करेगा उनके पास एसबीआई की गारंटी होगी, ठीक है, प्लस जो अदर प्रमोटर है उनकी, ये ज्योति राय का कहना है रियल एस्टेट एंजल ब्रोकिंग। ठीक है दोस्तों, मतलब दोस्तों ये ना बहुत ही अच्छी न्यूज है दोस्तों, मैं आपको एक चीज समझा दूं, ठीक है, और मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छी लगती है दोस्तों न्यूज। और अब देखिए इस बार तो इसके प्रॉफिट भी आया है 207 करोड़ का, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म ये वर्ड आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए अगर आप यस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये भी न्यूज, कोई भी न्यूज एज अ पोजिशनल ट्रेडर यस बैंक में बिल्कुल नहीं आना है दोस्तों। 5 साल एकदम बोलते हैं ना, यूपीएससी के लिए अगर आपको क्लियर करना है तो कम से कम 1 से 2 साल आपको दुनिया से कटना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों यस बैंक में निवेशित करना है तो अपने पोर्टफोलियो का केवल 2 से 3% ही इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों मिनिममली, और वो भी एक साथ नहीं दोस्तों, थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेट करने का, ठीक है। जैसे अभी मैं बताऊं 12 रुपए के आसपास ही चल रहा है, 12 रुपए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां आप एक छोटा सा चंक खरीद सकते हैं दोस्तों, और छोटा सा चंक ना कि बड़ा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो मैं इसी न्यूज के लिए डाला था क्योंकि बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है, प्लस मुझे ये भी थोड़ा मार्केट के जो प्रोस्पेक्टस है वो ही बताना दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज और प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।